स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 7 डेसिमल एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 3 है. फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें क्वेश्चन निकालना है तो हमको उसको डिवाइड करना होगा. तो 20.4 अंदर और 6 बाहर. 6 का टेबल लिखेंगे. 6 अंदर 6, 6 टू जै 12, 6 थ्री जै 18, 24, 6 फाइव जै 30, 6 6 जै 36, 6 7 जै 42, 6 8 जै 48, 6 9 जै 54, स्टैंडर्ड 60. अब देखो 20 से छोटा क्या है 18, कितनी बार बोलने पर है 3, माइनस किया 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से आया 4, 6 4 जब 24, कितने नंबर पहले पॉइंट आएगा एक नंबर. तो हमारा आंसर क्या आया 3.4. ठीक है, इसी तरह से 16 का टेबल लिखा हुआ है, इसको 16 से डिवाइड करते हैं 792.72. अगर 79 से छोटा क्या है 64, कितनी बार बोलने पर है 4 बार, 16 फोर जाए 64, 9 में से 4 गया 5, 7 से 6 गया 5, सॉरी 1, ऊपर से आया 2. 152 से छोटा क्या है 152 से छोटा है 144, कितनी बार बोलने पर 9 बार. ये नहीं जाता, ये क्या हो जाएगा 12, ये 4, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 4 गया 0, ऊपर से आया 87 से छोटा 80, कितना बचा 7, ऊपर से आया 2. अब 72 नहीं जाता, तो 72 से छोटा क्या है 64, अगेन 4 टाइम्स, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया 0, अब 8 बचा. अब यहाँ पर नंबर नहीं है, क्या लगा देंगे 0, 16 फाइव गया 80, रिमाइंडर आ गया 0. तो कितने नंबर पहले पॉइंट 1 2 3 2 3. तो हमारा आंसर क्या आया 49.545. 3.5 टू 8 को हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 25 3.5 टू 8 जी 28, और 25 पंजा 25, जी नहीं जाता 3 में तो 0 लगाएंगे. 25 पंजा 25, माइनस क्या कितना बचा 10, ऊपर से आया 2, 102 से छोटा क्या है 100, कितनी बार बोलने पर 4 बार, इसको माइनस क्या कितना बचा 2, ऊपर से आया 8, अब 28 से छोटा क्या है 25, कितनी बार बोलने पर 1 बार, तो इसको माइनस क्या 25 से तो कितना बचा 3. अब कोई नंबर नहीं है तो क्या लगा देंगे 0 लगाएंगे, नीचे उतारेंगे कितना बन गया 30, 30 से छोटा भी क्या है 25, जो कितनी बार बोलने पर है 1 बार बोलने पर है. अब इसको 25 लिखेंगे, माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, ऊपर से आएगा 0, 50 है कितनी बार बोलने पर 2 बार बोलने पर, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 50 में से 50 को माइनस करेंगे, कितने नंबर पहले पॉइंट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 0.14. इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे 43 को, तो 43 29 तो आता नहीं है तो 0 लगाएंगे. अब इसको 292 से छोटा गया 258, कितनी बार बोलने पर 6 बार, इसको माइनस करेंगे 12 में से 8 गया 4, 8 में से 5 गया 3, ऊपर से आया 4, 344 है, कितनी बार बोलने पर 8 बार, इसको माइनस किया तो 0, कितने नंबर पहले पॉइंट है 1 2, तो 1 2 नंबर पहले पॉइंट, आंसर क्या आएगा 0.6. इसी तरह से इसका यही करते हैं. इसमें देखो ऊपर आगे भी पॉइंट है, पीछे भी पॉइंट है, तो पहले इसका पॉइंट क्लियरिफाई करते हैं. ऊपर ही पॉइंट रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए. तो इसमें 2 नंबर पहले पॉइंट है तो नीचे अपॉन में 100 आ गया, 2 0 आ गई. यहाँ 1 नंबर पहले पॉइंट है तो ऊपर कितनी चले, नीचे का ऊपर का पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा, नीचे का पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आएगा, तो 1 0 बढ़ गई, 1 0 से 1 0 कट. अब कितना आया 1 0 बच गया, तो 1 नंबर पहले क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे. अब इसको 63 से डिवाइड करेंगे, 63 का टेबल मैंने लिख रखा है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 63 2431.8. अब 24 तो आता नहीं है तो 0, 243 से छोटा क्या आता है 189, माइनस करेंगे 13 में से 9 गया 4, 13 में से 8 गया 5, अब ऊपर से क्या आया 1, 541 से छोटा क्या है 504, कितनी बार बोलने पर 8 बार, माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा 11, ये 3, 11 में से 4 गया 7, 3 का 3, अब ऊपर से क्या आएगा 8,
378 है, कितनी बार बोलने पर? 6 बार बोलने पर। अब कितने नंबर पहले पॉइंट था? एक नंबर, तो एक नंबर पहले पॉइंट आ जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या है? 38.6। इसी तरह से इसको करेंगे, इसमें भी ऊपर नीचे पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे तो 72.696 का आगे इसके तीन नंबर पहले पॉइंट है तो नीचे जीरो लग जाएंगे, 312 नीचे रहेगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है। यहाँ दो नंबर पहले पॉइंट है तो ऊपर दो जीरो लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दो जीरो कट हो गए और बाकी कितना बचा है? 01। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? 72696/312। एक नंबर है तो एक नंबर पहले पॉइंट। अब इसको डिवाइड करते हैं, 312 का टेबल लिखा हुआ है आपके सामने। अब 726 पहले जीरो लगा देना, 726 से छोटा क्या है? 624 दो बार, 6 में से 4 गया 4, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से आया 9। 1029 से छोटा क्या है? 936, कितनी बार बोलने पर? 3 बार। 9 में से 6 गया 3, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 1 गया 0। अब ऊपर से आया 6, 936 है, कितनी बार बोलने पर? 3 बार। कितने नंबर पहले पॉइंट लगाना है? एक नंबर। तुम्हारा आंसर आया 23.3। अब जी की बारी है, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 108। इसका पॉइंट हटेगा तो जीरो कितनी जाएगी? नीचे 3। अब नीचे वाले का जी पॉइंट हटेगा 9 का, तो कितने जीरो जाएंगे? ऊपर 2। अब यहाँ पे नीचे 3 जीरो आएंगी, 2 जीरो कट गई। अब बाकी कितने जीरो बची? 1। तो 10.8/9। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 10.8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बन जाए 9। कितना बचा? 1। ऊपर से आया 1, 9 पूजा 18। कितने नंबर पहले पॉइंट आएगा? 1। तो 1.9। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी पॉइंट है, तो पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो जाएगी? 1। और अगर ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो कितनी जाएगी? 2। 10 से 10 कट, तो हमारे पास क्या है? 326/0/145। इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट नहीं लगेगा, बाद में पॉइंट की जरूरत होगी तो हम लगा देंगे। 326 से छोटा क्या है? 290। माइनस करेंगे, ऊपर से आएगा 2। 362 से छोटा 290, ऊपर से आया 5। 725 है, कितनी बार बोलने पर? 5 बार। और जो ये जीरो बचा वो कहाँ चला जाएगा? नीचे, चलो पीछे के क्या है? 225। जी, ये वाला आपका होमवर्क है।